सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे कैसे इक्लिप्स को इंस्टॉल किया जाए आपके विंडोज़ ओएस में, और इसके लिए हमें क्या चाहिए। जावा 11 कम से कम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जावा 11। और वो कैसे चेक करेंगे कि आपके इसमें जावा 11 है या नहीं। आप कमांड प्रॉम्प्ट चालू कीजिए और उसके अंदर जावा स्पेस हाइफन वर्जन कमांड टाइप करके एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपको ये जावा का वर्जन बता देता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में जावा 11 इंस्टॉल है। नाउ इक्लिप्स को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। एक जिप फाइल होती है, उसे आपको डाउनलोड करना है और उसे अनजिप करना है, एंड इक्लिप्स इज़ रेडी टू यूज़। ठीक है, तो मैं आपको ब्राउज़र के साथ कैसे इसे डाउनलोड करें मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है और इसमें मैं सर्च करूंगा इक्लिप्स डाउनलोड मैं सर्च कर रहा हूँ, और पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा eclipse.org। ओके, और यहाँ पे ना ये exe फाइल आप लोग डाउनलोड मत करना। ठीक है, आपको क्या करना है, डाउनलोड पैकेजेस के ऊपर जाना है, और यहाँ पे इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, नॉर्मल इक्लिप्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, लेकिन मुझे इंटरप्राइज एडिशन के लिए चाहिए जिसके अंदर मैवन जेनकिन वगैरह सब हो। तो वो चीज़ आपको किस में मिलेगी, इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर। तो यहाँ पे आप देखोगे विंडोज़ 64 बिट के लिए दिया हुआ है, 32 बिट के लिए अपने अवेलेबल नहीं है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा ये जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, 500 MB के लगभग फाइल है और ये कुछ 10 मिनट लेंगे डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो मैं वापस से कनेक्ट करूँगा जैसे ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो इंतज़ार करते हैं इसके लिए। डाउनलोडिंग हो चुका है, अब मैं डाउनलोडिंग फोल्डर में जा रहा हूँ, शो इन फोल्डर से एक्सट्रैक्ट फाइल करूंगा मैं, क्लिक ऑन ओके। तो आप कहीं और भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 100% होने वाला है। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, ये जिप है और ये अनजिप है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको इक्लिप्स का लोगो मिलेगा, इसी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और आपका इक्लिप्स चालू हो जाएगा। देखिए ये लेटेस्ट वर्जन है 2021 का, मार्च 2021, ये चालू हो रहा है आपका इक्लिप्स। पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेता है। सो ये वर्कस्पेस का मतलब कि ये प्लेस पूछ रहा है कि कहाँ आप इसे मतलब कहाँ आपके प्रोजेक्ट सारे स्टोर होंगे। तो ये कह रहा है कि सी यूजर्स एम फ्रेम के अंदर आप रख सकते हो या फिर आप नया बना सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, ये फोल्डर डेमो, और इसके अंदर मैं सारे अपने प्रोजेक्ट्स रखूँगा, सेलेक्ट फोल्डर एंड लॉन्च। तो इस तरह से मेरा अभी इक्लिप्स ये लॉन्च हो जाएगा। ये वेलकम स्क्रीन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ ये क्रॉस यहाँ से, और यहाँ पे आप अलग अलग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। फाइल में जाके न्यू मैवन प्रोजेक्ट, या फिर अगर आप नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो अदर में जाके यहाँ पे जावा सर्च करके जावा प्रोजेक्ट बना सकते हो लाइक दिस। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।